हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 8 लेसन नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करेंगे, हम इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया है, तो आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखिए, लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर एक वैल्यू अननोन होगी, ठीक है, एक वैल्यू अननोन होगी। अननोन वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे कोई वेरिएबल उसके अंदर होगा, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है भाई? वेरिएबल जो होता है, जो हम एक्स वाई जेड या फिर ए टू जेड तक जो हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन के अंदर ए टू जेड में कोई भी एक अल्फ़ाबेट हम लिखते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में उसे चर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होगी। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो ये वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी कि इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स ही रहेगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा, वाई ही रहेगा। देखिए, देखते हैं किस तरह से। जैसे कि 2x प्लस 1 या फिर 3x माइनस 5 या फिर 2y प्लस 7, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे एग्जांपल लीनियर इक्वेशन के हैं, ठीक है। जहाँ पर आप देख सकते हो x के ऊपर कोई पावर नहीं है। जब किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होती, यानी कोई घात नहीं होती, तो हम क्या कहते हैं? उसकी पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 होगी, क्योंकि हमने, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो। तो आइए देखते हैं कुछ सम्स, और इस चैप्टर के अंदर हम किस तरह से सम सॉल्व करेंगे। तो उसमें मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, इसमें हमारे पास बीच में इक्वल्स टू होता है, इक्वेशन के बीच में इक्वल्स टू होता है, कहीं ना कहीं इक्वल्स टू फिट होगा, ठीक है। तो हमें सबसे मेन चीज़ है कि इस इक्वल्स टू को हमें बॉर्डर मान लेना है। क्या मानेंगे हम इसे? बॉर्डर मान लेंगे, बॉर्डर कोई भी बॉर्डर, दो कंट्री के बीच का बॉर्डर, ठीक है, इस तरह से हम मान लेंगे। अगर कोई भी नंबर जो इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर इस साइड माइनस में होगा तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर अगर इस साइड डिवाइड में होगा तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर इस साइड मल्टीप्लाई में होगा तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सबके जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, अगर वो क्या करते हैं? बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो, ठीक है, अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने के लिए लागू नहीं है, ये यहाँ से यहाँ आने के लिए भी लागू है। माइनस का नंबर अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का नंबर अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर अगर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का नंबर अगर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही और ये जो रूल है वो लागू होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिवाइड में, प्लस में, माइनस में नंबर किस प्रकार से होते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जैसे कोई एक इक्वेशन लेते हैं 3x, ठीक है। अब ये 3x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी वेरिएबल को किसी नंबर के साथ रखा जाए, किसी भी वेरिएबल को किसी भी नंबर के साथ जब रखा जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। इसको हम क्या मानेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम क्या देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर, जैसे कि 2x अपॉन 5 है, ठीक है, 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो 5 है ना, नीचे वाला 5, इसे हम डिवाइड में मानेंगे। क्या मानेंगे? ये डिवाइड में है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये डिवाइड में गिनाता है ये नंबर, ठीक है। और ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई में है, जो एक्स है 2 के साथ वो मल्टीप्लाई में है, यानी यहाँ पर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। और अगर इनके साथ कोई और नंबर आ जाए, जैसे 2x अपॉन 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये डिवाइड भी आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया, यहाँ पे सम आ गया, यानी कि प्लस आ गया।
तो ऐसी सिचुएशन में अब आप बोलो कि भाई ये डिवाइड में नंबर है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी इस प्रकार से नहीं होता कि एक नंबर डिवाइड में हो और साथ में प्लस में भी है तो हम डिवाइड वाले नंबर को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फुल डिवाइड में होना चाहिए, ये जो नंबर है वो फुल डिवाइड में होना चाहिए। फुल डिवाइड में कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब जैसे 2x है प्लस 7 है और होल डिवाइड बाई 5 हो ना, तब अब ये नंबर जो है ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम आगे जिस प्रकार से सम्स करेंगे तो मैं आपको और रूल्स बताते जाऊँगा। तो आइए एक सम सॉल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो। तो आइए देखते हैं, ये जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो हमें इसके अंदर क्या करना होता है, इसमें हमें x की वैल्यू लानी होती है। किसकी वैल्यू लानी होती है? वेरिएबल x की वैल्यू, कि भाई वेरिएबल x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है माइनस 3y है, तो सिंपल सी बात है जो माइनस 3 जो है, माइनस 3 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सम क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2x तो 2x ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो आप देख सकते हो माइनस का नंबर जो है इधर आके प्लस हो गया। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जब वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर हो तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब ये जो 2 है वो इधर जाके क्या होगा, बताइए क्या होगा, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड का मतलब ये होता है कि जो नंबर है नीचे जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे हम कैंसिल आउट कर लें, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो x इज इक्वल टू हो गया 5। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सम्स। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी आपको रूल्स बताए उस हिसाब से क्या होगा, ये माइनस 2 जो है वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 7 यहाँ पर पहले से ही था, अब ये 2 जो है ये यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो ये जो है वो हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम तरीके से y प्लस 3 है, ठीक है, ये जो प्लस 3 है इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हमारे पास पहले से ही इज इक्वल टू के इस साइड था, तो इसको बॉर्डर पार कराओगे तो क्या होगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, सेम चीज़ इसमें वापस से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस साइड नंबर है और इस साइड वेरिएबल है, तो देखिए इस नंबर को हम इस साइड ले आते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो प्लस टू है इसे हम इस साइड ले आते हैं, माइनस 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू जेड। देखो 4 इज इक्वल टू जेड मतलब क्या हुआ, जेड इज इक्वल टू 4। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अब अपॉन वाले नंबर से यानी कि फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर में हम क्या करेंगे, नंबर को एक साइड ले लो और वेरिएबल को एक साइड रहने दो। तो ये नंबर जो है वेरिएबल के साथ है, ठीक है, वेरिएबल है x, ठीक है, इसको ले जाओ इस साइड। ठीक है, तो ये प्लस में है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और x ऑलरेडी यहाँ पे प्लस में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17/7 -3/7। देखिए नीचे जो नीचे डिनोमिनेटर है वो दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17-3/7। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 17-3 कितना हुआ, 14/7। देखिए अब यहाँ पर 14/7 है, तो 14 और 7 जो है 7 के टेबल में कट हो जाएगा, तो 7 1 7 2 2/1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 12 है। 6x का मतलब क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है, क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई बाई x। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू यानी बॉर्डर क्रॉस करेगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 6, इट मीन्स 6 1 6 एंड 6 2 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2।
ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो टी अपॉन फाइव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो नीचे फाइव है ये टी के साथ डिवाइड में है। क्या है? टी के साथ डिवाइड में है। और अगर कोई नंबर इज इक्वल टू के इस साइड डिवाइड में हो तो इज इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन मल्टीप्लाई बाई फाइव। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा टेन फाइव जार फिफ्टी। तो हमारा सिक्स का आंसर होगा फिफ्टी। तो आइए कर लेते हैं सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन के अंदर क्या है, आप देख सकते हैं कि टू के साथ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में है और डिवाइड बाई थ्री है। ठीक है, अब ये जो थ्री जो है वो डिवाइड में है तो यहाँ जाकर क्या होगा? थ्री जो है वो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? एटीन इंटू थ्री। एटीन इंटू थ्री कितना होता है? फिफ्टी फोर। ओके, और टू एक्स यहाँ पर एज इट इज़ रह जाएगा। अब देखो क्योंकि 2x जो है, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54 डिवाइड बाई 2। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4 एंड 2 सेवन ज़ा 14। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं एट्थ क्वेश्चन। देखिए एट्थ क्वेश्चन के अंदर डेसिमल आपको मिलेगा। ठीक है, डेसिमल यानी कि पॉइंट मिलेगा। अब सबसे पहले तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट को रिमूव किस तरह से किया जाता है? देखिए पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो उन नंबर्स को हम क्या करेंगे? नीचे डिवाइड लगाएंगे। डिवाइड लगाने के बाद पॉइंट्स के बाद जितने नंबर है वन के उतने ज़ीरो लगा देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 1.6 है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे, 1 के एक ज़ीरो लगा देंगे यानी 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर पॉइंट के बाद दो ज़ीरो होते तो हम 100 से डिवाइड करते। पॉइंट के बाद तीन नंबर्स होते तो हम क्या करते? उसको 1000 से डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आए हुए हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर आए हुए हैं 1 के उतने ज़ीरो लगाएंगे और पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, और नीचे डिवाइड में रख देंगे उस नंबर को जिसके आगे हमने ज़ीरो लगाया 1 के। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से। देखो वो ये 1.6 मैं क्या करूँगा, इसको 16/10 लिख लूँगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 16/10। और सिंपली इसी तरह से जो 1.5 है उसको हम क्या कर लेंगे? 15 और ऊपर 10y लिख लेंगे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई वाई। ठीक है, तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, अब ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे y के साथ और ये जो 15 है वो 16 के साथ आ जाएगा। तो 16 इंटू हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 10y मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 15 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 सिक्स 90 0 9 एंड 24 240 इज इक्वल टू 100y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे y हमारा रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 240 डिवाइड बाई 100। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से हमने नीचे 10 लाए थे यहाँ पर और पॉइंट हटाए थे तो उसी प्रकार से यहाँ से 10 हटाने पर यहाँ बीच में हम पॉइंट रख देंगे। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 2.4। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.4। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। जैसे कि आप नाइन्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं 7x-9 इज इक्वल टू 16। अब देखिए जैसे कि आपको पता ही है 9 जो है माइनस में है, ये इस साइड जाकर क्या होगा? क्या होगा? प्लस हो जाएगा। आप लोगों को अभी तक तो पता चल ही गया होगा। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। और यहाँ पे आ जाएगा 7x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 25/7। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे -8 है, नंबर को इस साइड लेकर जाएंगे, -8 क्या हो जाएगा? +8। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 13+8। तो 13+8 कितना होता है? 21। और यहाँ हो जाएगा 14y। तो अब देखिए यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/14। अब देखिए इसमें आप क्या देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में 7 कॉमन है, मतलब 7 के टेबल से ये कट हो जाएगा। 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। तो ये है हमारा
वाई का आंसर। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है। देखिए अब ये नंबर को हम क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे, तो देखिए ये है प्लस में, उधर जाके क्या होगा माइनस, ठीक है। तो हमारे पास 6p = क्या बचेगा, 9 - 17, ओके। हमारे पास 6p = क्या बचेगा, 9 - 17। अब हमारा रूल लागू होगा, कौन सा रूल लागू होगा, प्लस और माइनस का। देखिए 9 पॉजिटिव है और 17 जो है वो माइनस में है। अगर हम 17 में से 9 को माइनस कर दें, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 17 में से 9 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 8। कितना बचेगा, 8, ठीक है। लेकिन एक मिनट, 8 तो बचा लेकिन बड़ा नंबर किस में है, माइनस में है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि -8 हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर जो 6p है, 6 जो है वो p के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड लेकर जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस होगा, क्या होगा, डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 4 जा और 2 3 जा, तो हमारा p का आंसर क्या हो जाएगा, -4/3, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर एक है जो फ्रैक्शन में है, यहाँ पर प्लस में नंबर 1 है और यहाँ पे 7/15 है। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो नंबर नंबर एक साइड ले लो, तो नंबर नंबर एक साइड लेने के लिए इस प्लस 1 को हमें इस साइड ले जाना होगा, तो x/3 तो रह गया, ठीक है, = 7/15 और -1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई जिसने भी हमारी LCM वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा LCM। तो देखिए नीचे हमारे पास कोई नंबर नहीं है 1 के, तो हम ले लेंगे 1। 1 और 15 का LCM क्या होगा, 1 और 15 का LCM होगा 15, इसलिए हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x/3 क्या हो जाएगा, x/3 हो जाएगा 7/15 -15/15। अब देखिए दोनों टर्म सेम हो गए, अब दोनों टर्म सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, x/3 और यहाँ पर 7 - 15/15। अब 7 - 15 कितना होगा, x/3, 7 - 15 कितना होगा, 8, ओके। तो 8 लेकिन किस में 8 होगा, माइनस में, ठीक है। आंसर किस में होगा, माइनस में, -15 आ जाएगा, ठीक है, -8/15 आ जाएगा। अब 3 जो है वो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -8 × 3/15। अब आप देख सकते हो ये मल्टीप्लाई में है, हम ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, 3 1 = 3 और 3 5 = 15, तो x = हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -8/5। दैट्स इट, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है।